हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्पाइडर माइट की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, इसको पहचान नहीं पाते, हमारे जो प्लांट है वो मर जाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, वाइट फ्लाई है और रेड माइट है और ये सारे जितने भी इंसेक्ट है जो हमारे गुलाब को लगते हैं, किसी वेजिटेबल या फ्लावर प्लांट को लगते हैं। तो अगर इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, गुलाब का हो, किसी और प्लांट का हो, ये वेजिटेबल फ्लावर प्लांट सभी में आते हैं फ्रेंड्स। ये पत्ते में दिखाई देते हैं, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जाला बना लेते हैं फ्रेंड्स, पता चल जाता है। बैक साइड बिल्कुल वाइट हो जाता है, हमारे जो पत्ते होते हैं बिल्कुल वाइट हो जाते हैं फ्रेंड्स, और पूरा ऊपर से भी वाइट हो जाता है, पूरा कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमें इसका टाइमली, हमें अगर हम अपने प्लांट को चेक करते हैं फ्रेंड्स, इसमें स्पाइडर माइट को, तो हम इसका ट्रीटमेंट टाइमली कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हमने टाइमली इसको नहीं डायग्नोज किया, नहीं आइडेंटिफाई किया, तो इससे क्या होता है कि प्लांट ही मर जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नंबर एक, हम अपने पॉट को दूसरे पॉट से दूर रखें, और इसके पत्ते भी आप रिमूव कर सकते हैं, उनको दूर आप कहीं दबा दें या दूर फेंक दें। पॉट को दूसरे पॉट से दूर रखें, दूसरे प्लांट से, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो उनके पत्ते को रिमूव करें, उनकी टहनियों को आप काटें और दूर कहीं मिट्टी में दबाएं। इंटरपीड 1.5 ml 1 लीटर वाटर में स्प्रे करें फ्रेंड्स। ओमाइट का यूज़ भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये सस्ती दवाई भी है फ्रेंड्स। तीसरी दवाई कॉन्फिडर है फ्रेंड्स, ये भी 1.5 ml 1 लीटर वाटर में। चौथी दवाई ओवेरॉन है फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स, जो आपके बजट में होगी दवाई, उसी का प्रयोग करें और बदल बदल के करें, शाम के टाइम करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय एवरीवन।